आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए, मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दीप प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि बिंदु 2-3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, अक्ष क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस और ये बाएं की तरफ वाला माइनस एक्स एक्सिस होता है। हमसे कहा गया है बिंदु 2 और 3, यानी एक्स का मान हमारे पास 2 है, यानी कि एक्स का मान 2 है और वाई का मान अगर कहा जाए तो 1, 2, 3 है। हमसे कहा जा रहा है कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पे अगर शीशा रख देंगे तो एक्स एक्सिस पे रखते हैं, यानी कि इस पोर्शन पे अगर आप शीशा रखते हैं तो इस पे रखिएगा, तो ये जो वाई कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और -3 का प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी कि x एक्सिस तो 2 ही पे रहेगा, y एक्सिस प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 और -, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2 साल बाद 10% प्रतिवर्ष पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 412 है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सीआई और एसआई का अंतर हमारे पास दिया हुआ है 462 रुपया, हमारे पास रेट दिया हुआ है 10%, तो हमसे पूछ रहा है कि निम्न धन क्या ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल निकालिए। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे निकालेंगे, देखिए क्या होता है, सीआई माइनस एसआई का अंतर अगर 2 साल की बात की जाए तब, यानी कि 2 साल की बात की जाए तब ये चीज लगाना है, 2 साल की बात अगर क्वेश्चन में रहा है, 2 साल का रहेगा तो ही ये लगाइएगा। सी आई माइनस एस आई बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर। जब 2 साल हो तब, 2 साल की बात जब हो तब ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर P दिया रहा है, रेट दिया रहा है, मूलधन और रेट दिया रहा है, अगर सी आई एस आई का अंतर पूछे तो यही लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें दिया है कि सी आई और एस आई का अंतर कितना है, 462 है, हमको P निकालना है, रेट हमारा 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, तो इसको 100 लिख देते हैं, और नीचे 100 गुना 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो P हमारा क्या आ जाएगा, 462 को 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 46,200 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर बीसी, कोण बी बराबर एक्स और कोण ए बराबर, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का मान हमारे पास एक्स दिया हुआ है और कोण बी का मान दिया है 2x-20°, ठीक है। अब हमसे कह रहा है ए बी बराबर बी सी, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी दिया है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, तो ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। और कोण बी बराबर एक्स दिया हुआ है, कोण बी बराबर एक्स, यानी कोण बी बराबर एक्स दिया हुआ है, कोण ए बराबर इस कोण ए का मान दिया हुआ है 2x-20°, ठीक है। तो कोण बी का मान पूछ रहा है, यानी कि कोण बी का मान क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180° होता है, अगर कोण ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी सी ए के, यानी जो बी ए सी, यानी ये कोण है, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी सी ए के, ठीक है। अगर कोण बी ए सी बराबर कोण बी सी ए है,
यानी कि ये दोनों कोण का मान क्या हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री। और हमारे पास ABC, अगर कोण ABC की बात करें तो ये कितना डिग्री है, ये x डिग्री है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तो दो यही है, ये हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री प्लस ये कितना है x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 2x 4x ये 5x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से 5x कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यानी कि 5x का मान ये 220 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 220 बट्टा 5, यानी कि 5 के 20 यानी कि 44 डिग्री, यानी कि कोण B का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 44 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी भी 3 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा। हमने माना कि नाव की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। x y मान के हम बनाते हैं, नाव की चाल x किलोमीटर शांत जल में और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमसे पूछा है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत मतलब x माइनस y का कितना देर में तय करती है 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, यानी कि दूरी बट्टा अगर समय कर दें तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा के से चलेगी, तभी तो 3 घंटा में 12 किलोमीटर जाएगी। तो x माइनस y का मान क्या आ गया, यहां से x माइनस y का मान 4 आ गया, ये धारा के विपरीत दिशा में। अब कह रहा है कि धारा के दिशा में यानी कि x प्लस y कितना चल रही है 18 किलोमीटर चल रहा है कितना घंटा में 3 घंटा में, तो यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलेगा। तो x प्लस y का मान क्या आ जाएगा 6। अब यही इसको जोड़ घटा देते हैं तो y से y कट जाएगा 2x बराबर 6 4 10, तो x का मान क्या आ जाएगा 10 बट्टा 2 यानी कि 5। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किसी बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का परिमाप 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, ठीक है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2πRh हमको h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2640 बट्टा 2πR। अब देखिएगा क्वेश्चन में एक चीज दिया गया है कि उसके आधार का परिमाप जो है यानी कि 66 सेंटीमीटर है, तो आधार का परिमाप क्या होता है 2πR बराबर क्या दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, हमारे पास 66 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, ठीक है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस 2πR के जब हम 66 रख देंगे तो 2640 बट्टा 66, तो ये 40 बार में कट जाएगा, तो h हमारे पास क्या आ गया, h हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से r हम निकालेंगे, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो अब हमारे पास एच आ गया तो हमको आर निकालना है। लेकिन देखिए 2πR आधार का परिमाप 66 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हम आर नहीं निकाल लेंगे, 66 बट्टा 2π यानी कि 66 बट्टा 2 गुना 22 और ये ऊपर चला जाएगा 7, तो 22 दिया 66 70 के 21 बट्टा 2 यानी आर का मान हमारे पास 21 बट्टा 2 आ गया। जब r का मान 21 बट्टा 2 आ गया तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई मैंने 22 बट्टा 7 गुना 21 बट्टा 2
इक्कीस बट्टा दो का स्क्वायर यानी कि इक्कीस बट्टा दो गुना इक्कीस बट्टा दो गुना एच का मान कितना है 40, ये हो जाएगा 40। सात तिरिके 21, दो दूना चार, ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये 10 दिया 30, 30 और 30 गुना 21 गुना 22, इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 21 दिया 63 यानी कि 630 गुना 22। अब क्या हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, ऑप्शन ऐसा है क्या कि यूनिट डिजिट से हम कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट से नहीं हो सकता है, तो 63 को 22 से गुना करेंगे, दो तीन छः, दो छक 12, दो तीन छः, दो छक 12, छः छः दो आठ, एक दो तीन, यानी कि 13,860, 13,860 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 31 नंबर कह रहा है कि 33 से 45 तक की संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 33 और 45 तक के संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं 33 और 45 को जोड़ के दो से भाग दे दीजिए, आपका औसत आ जाएगा 5 3 8 4 3 7, 78/2 यानी कि 2 3 6 और 2 9 18, आपका आंसर क्या आ जाएगा 39, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी का व्यय 3400 था, वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 2600, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए 9200, यदि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए दौरान कुल त्रैमासिक औसत 50400 था है, तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए व्यय खोजें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीन महीना का हिसाब पहले हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, कितना था 3400 प्लस 2600 प्लस 9200, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 10 12 के दो हाथ में 1 3 1 4 2 6 9 6 15 यानी कि 15203 का, और कह रहा है त्रैमासिक का मतलब हो गया 12 महीने बट्टा 3 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी 4 महीना का हिसाब हो रहा है, इसका मतलब है कि 4 महीना का 50,400 के हिसाब से कितना हो जाएगा 50 × 2 200,000 और ये आपका 1600 ये 1000,000 हो गया 2,16,000 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि अंतिम तिमाही के लिए क्या होगा, अंतिम तिमाही के लिए क्या होगा, इस 2,16,000 में से 15,200 माइनस कर देंगे, अंतिम का हो जाएगा, तो चलिए 15,200 इसमें से माइनस कर देते हैं, 6 में से 2 गया 4, 11 से 5 गया 6 और आपका 9 में से 1 गया 8, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 1,46,400 रुपया हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 33 कह रहा है कि दो ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू करती है, ट्रेन ए 54 किलोमीटर की औसत चाल से चलते हुए शहर एम से शहर एन तक जाती है, मान लीजिए ये शहर एम है और ये शहर एन है, ये एम शहर है और ये एन शहर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है एन तक जाती है, जबकि ट्रेन बी शहर एन से एम की ओर जाती है, देखिए ये ट्रेन ए जो है ना ये एम से एन की ओर जाती है और ट्रेन बी जो है एन से एम की ओर आती है, इसको जानिए। ठीक है, आती है, दोनों शहरों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है, यानी कि शहर एम और एन के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है, यदि दोनों ट्रेनें 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती हैं तो ट्रेन बी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी अगर 8 घंटे बाद ट्रेन ए और बी एक दूसरे को पार करती हैं तो हमसे औसत चाल किसका पूछा है, बी का। हमने मान लिया एक किस चाल से चल रहा है, तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, 54 किलोमीटर की औसत चाल से चल रहा है। ठीक है, तो देखिए समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, हमारे पास समय कितना दिया है
कि 8 घंटा में ये एक दूसरे को पार करती है। दूरी कितना दिया है, 960 किलोमीटर। अब देखिए चाल क्या है, जो ये ट्रेन है वो 54 किलोमीटर के चाल से चल रहा है। हमने मान लिया कि ये बी जो ट्रेन है वो एक्स किलोमीटर के चाल से चल रहा है, तो ये 54 + x के चाल से चल रहा है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसी से 800 960 कट जाएगा, 12 8 96 120 बार में ये इधर चला आएगा। 54 + x बराबर 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 54 घट जाएगा, 10 में 4 गया 6, 11 में 5 गया 6, यानी कि b का जो चाल है वो 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या एक दिया गया है 7 3 8 A 6 A, ठीक है, ये संख्या को 11 से विभाज किया जाता है, 11 से विभाज किया विभाज है और 3 अंकों की संख्या 68x को 9 से विभाज किया जाता है, तो a प्लस एक्स का मान क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 11 से विभाज होने का नियम क्या कहता है। 11 से विभाज होने का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या दिया रहे तो उसके इकाई अंक से, इकाई अंक यानी दाहिने तरफ से, इकाई अंक से सम स्थान का योग, सम स्थान जो है यानी कि सम स्थान का योग माइनस विषम संख्या का योग, विषम स्थान का जो योग होगा, विषम स्थान का योग ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अगर सम स्थान का योग यानी जो यहां से चलिएगा तो सम स्थान क्या होगा, 6 8 7 का योग माइनस विषम यानी ए 3 से के बराबर 0 हो गया, तो समझिए कि वो संख्या 11 से विभाज हो गया, जब ये 11 से विभाज होने का नियम है। ठीक है, तो चलिए सम स्थान यहाँ क्या हो गया, तो 6 + 8 + 7 माइनस विषम स्थान क्या हो गया, a + 3, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो 8 6 14 7 21 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2a + 3 बराबर 0, ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 2a + 3 बराबर 21, तो यहाँ से 2a का मान क्या हो जाएगा, ये 21 माइनस 3 हो जाएगा 18, तो a का मान क्या हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9। अब हमसे कह रहा है कि 6x + x/9, 9 से विभाज होने का नियम क्या कहता है, 9 से विभाज होने का नियम कहता है अगर दी गई संख्या का योग, जो संख्या दिया गया 6 8 14 प्लस जो संख्या दिया रहा है x का मान, अगर वो 9 से डिवाइड होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 6 9, ये क्या 9 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 3 6 9, यानी कि 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका ये 126 जो है 9 से डिवाइड होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 1 9 12 0 हो गया 3 6, देखिए डिवाइड हो गया, यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगा, तो इनका योग अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या संख्या दिया है, हम देख रहे हैं कि 6 है, 6 + 8 + x/9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 6 14 14 + x/9, यानी कि x को हम क्या रखें कि वो कट जाए, तो हम देखेंगे कि अगर x को अगर हम 4 रख दें तो 14 + 4 = 18 18/9 यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगर x का मान 4 रख दिए तो a प्लस x का मान क्या हो जाएगा, a का मान हमारे पास 9 है तो 9 + 4 = 13, a प्लस x का मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बी सी से दुगना कुशल है और ए बी से दुगना कुशल है, यदि उन्हें एक साथ 1,10,649 के वेतन के साथ भुगतान किया जाता है तो ए को प्राप्त होने वाले वेतन क्या हो जाएगा। रेशियो देखिए, ए अनुपात
वी अनुपात सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से दुगना कुशल है। अब मान लीजिए बी और सी, सी बी जो है सी से दुगना कुशल है, मान लीजिए सी एक है तो बी क्या है, दो है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बी ए जो है बी से दुगना है, ए जो है बी से दुगना है, तो बी अगर दो है तो ए कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चार दो छह एक सात रेशियो का मान, हमारे पास सात रेशियो में ये लोग है और कितना रुपया का बात किया गया है, 110,649। जब सात रेशियो को 110,649 रुपया मिलता है तो अगर हम एक रेशियो की बात करें तो 110,649 बट्टा सात हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो सात एकम सात, ग्यारह में से सात गया चालीस, चार ये चालीस हो जाएगा, तो सात पाँच पैंतीस, पाँच सात आठ छप्पन और सात सात उनचास, यानी कि 15,807 रुपया एक रेशियो का दाम हो गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को प्राप्त होने वाले वेतन कितना है, तो ए को कितना मिलेगा, चार, तो चार गुना 15,807 यानी कि 7×28 के आठ, हाथ में दो, 400 ये हो जाएगा दो, 4×8=32 के दो, हाथ में तीन, 4×5=20, 3×23 के तीन, हाथ में दो, 4×4 और 2×6 यानी कि एक को 63,228 रुपया मिलेगा, 63,228 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, ठीक है, जिसके आधार का अर्ध व्यास 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले को पिघलाकर, गोले का आयतन क्या होता है, गोले को पिघला के क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है। गोले को पिघला के यानी गोले का आयतन को पिघला के बेलन का आयतन बराबर कर दीजिए, इन दोनों का आयतन को हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। यानी त्रिज्या और गोले को बेलन बनाया गया जिसका आधार का अर्ध व्यास 9 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक है। अब बेलन का आयतन होता है πr²h। इसको बड़ा इसलिए लिखा गया है कि ये इसका r दूसरा है, इसका r दूसरा है, ठीक है। तो चलिए इसका बेलन का आयतन का हमको r निकाल h निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम देखेंगे कि पाई और पाई कट गया, यानी कि 4/3, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो इसको तीन बार हम लिख लेते हैं, ठीक है, 18×18। इसका आर दिया हुआ है 9, तो इसको दो बार लिख लेते हैं, 9×9 एच हमको निकालना है। देखिए 9×18 3×18 तो एच क्या हो जाएगा, 6×24 24×48 48×96 तो एच हमारे पास क्या आ गया, 96 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि x² + 2x 2x/5 + 1/25 बराबर 0 है, तो x-2/3 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसमें से हमको x निकालना होगा, तो हम x का मान यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी क्या करते हैं, 25 हम LCM ले लेंगे, तो ये चला जाएगा 25x² + 50 5 × 10x + ये हो जाएगा एक बार में ये 0, ये नीचे वाले से हो जाएगा गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 25x² + 10x + 1 = 0। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये 25 गुना इसमें हो जाएगा, इसका फैक्टर हम किस तरीके से करेंगे, 25x² इसको 5x 10x है, तो इसको 5x + 5x + 1 = 0 कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 5x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5x + 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5x + 1। यहाँ से क्या आ गया, 5x + 1 × 5x + 1 = 0।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी को भी 5x plus 1 बराबर 0 कर देंगे तो 5x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस 1 बटा 5। अब ये x को इसमें x की जगह पर रख देंगे तो x की जगह पर रखेंगे तो माइनस 1 बटा 5 माइनस 2 बटा 3 का स्क्वायर, तो ये अंदर में क्या हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 5 × 15 ये हो जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 13 बट्टा 15 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर होगा तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हमारा आंसर क्या आ गया 169/225। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा 169/225, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 38 नंबर कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, एबीसी ए बी सी समकोण त्रिभुज है, यदि कोण सी 30 डिग्री है, यानी कोण सी 30 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री होता है तो ये कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो सेक बी का मान यानी इस कोण का सेक बी का मान निकालना है तो सेक बी बराबर क्या हो जाएगा सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल करना है 11 गुना 132 भागा 12 प्लस 11 बट्टे में 108 भागा 9 माइनस 1, इसको हल करना है। देखिए जब भी इस तरह का संख्या दिया रहा है प्लस गुना भाग कुछ भी दिया रहा है तो बोडमास को याद जरूर कीजिएगा, ये बोडमास साहब को याद जरूर कीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिएगा, पहले ब्रैकेट का फिर ऑफ का फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एड फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि घटाव बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देख क्या करेंगे भाग देंगे, यानी कि 132 को हम 12 से भाग देंगे, देखिए 11 गुना 132 भागा 12 प्लस 11 नीचे क्या है 108 भागा 9 माइनस 1, अब 12 एकम 12 यानी ये 11 बार में कट गया, ये कट जाएगा 12 नवा 108 यानी कि 12। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 11 गुना 11 प्लस 11 बट्टे में 12 माइनस 1, अब देखिए 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 11 प्लस 1 बट्टे में 12 माइनस 1 गया 11, 11 11 कट गया, 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 हमारा 12 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।